हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एडिनोमायोसिस एडिनोमायोसिस जैसे आप देख रहे हैं यूट्रस जिसको बच्चेदानी कहते हैं इस यूटरस के थ्री लेयर्स होते हैं सबसे अंदर के लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं जो मिडिल लेयर होता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं और जो बाहर का लेयर होता है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं यानी सेरोजल लेयर सो बेसिकली जो भी लेडी है उसको पीरियड्स कैसे आते हैं जो एंडोमेट्रियम एरिया है वहाँ की थिकनेस बढ़ जाता है जिससे एंडोमेट्रियल थिकनेस कहते हैं तो जैसे ही हार्मोनल लेवल्स कम होते हैं तब विड्रॉल ब्लीडिंग होती है सो तो अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू सेकेंड लेयर जो होता है मेोमेट्रियम उसके अंदर अगर ये टिश्यू डेवलप होता है और उसकी वजह से जो भी चेंजेस एंडोमेट्रियम में आने रहते हैं वही सेम चेंजेस मयोमेट्रियम में आ जाते हैं इसकी वजह से थिकनेस स्लोली बढ़ने लगती है सो so, ये ब्लड बाहर रिलीज़ नहीं हो सकता एंड स्लोली एकूमलेट होने लगता है इससे बचे दानी में स्वेलिंग आ जाती है मायोमेट्रियम थिकनेस ज़्यादा हो जाती सो so, इससे एंडीनोमोसिस कहते हैं अब हम एडिनोमोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं वो जानते हैं एडिनोमाओसिस में पेन एबडोमन बिफोर पीरियड्स रहता है जो बहुत सीवियर पेट का दर्द होता है एंड हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग रहती हैं क्लॉट्स गड्ढे बनना होते हैं गड्ढे भी आते हैं एंड पेनफुल इंटरकोर्स इन सम पेशेंट्स अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ तो बहुत पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर हम हमें यूटरस रिमूव करने को सजेशन दिया गया है क्या एडिनोमायोसिस में यूटरस रिमूव करना यही एक ऑप्शन है सो फ्रेंड्स द आंसर इज़ नो एब्सोल्युटली नॉट गायनाकोलॉजिट सजेस्ट थ्री टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट हार्मोनल टैबलेट्स कॉपर टी मेरीना या फिर सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन लेकिन होम्योपैथी होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है एडिनोमायोसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसन जो रिकमेंड होते हैं ये सिम्टम ये प्रॉब्लम के लिए तो पहले आते हैं हम सबाइना सबाइना एक्सेलेंट मेडिसन है इसके स्पेशल इफेक्ट ऑन यूटरस रहता है सबाइना के पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग प्रोफ्यूज ब्राइट मेंसेस होते हैं और मैंसेस स्मार्टिंग बिटवीन मेंसेस होता है तो ये थर्टी पोटेंसी में रिकमेंडेड कर सकते हैं सेकेंड ड्रग इज थैलस्पी वर्सा पेस्टोरिस ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एडिनोमसिस के लिए इसे हम एंटी हेमरेजिक रेमिडी भी कहते हैं तो इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग विथ वॉयेंट कोलिक रहता है पेट में दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और एवरी ऑल्टरनेट पीरियड इज़ वेरी प्रोफ्यूज जिस पेशेंट्स में ये रहता है सिम्टम उसको थैलेसपिया बरसा पेस्टोरिस रिकमेंडेड कर सकते हैं और ये मदर टीचर फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं फाइव ड्रॉप्स टू टाइम्स डेली फॉर वन मंथ तो आते हैं हम नेक्स्ट कैल्केरिया कार्बोनिकम तो कैलिनिया कार्बोनिकम में टू प्रोफ्यूज टू अर्ली एंड टू लॉन्ग मिनसेस रहते हैं कटिंग पेन इन डिट्राइन रीजन होता है और यह थर्टी पोटेंसी इज गिवेन टू बिगिन विथ द फोर्थ ड्रग इज़ मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम दिस इज़ एन एंटी स्पैजमोटिक रेमिडी बहुत से लोगों को बहुत सीवियर पेट दर्द होता है तो ये मस्ट एंड शूड रिकमेंडेड ड्रग है और इसमें मेंस्ट्रुअल कोलिक बहुत सीवियर रहता है तो सिक्स एक्स टैबलेट्स में भी इसे दे सकते हैं टू टाइम्स डेली और अब आते हैं हम अगले ड्रग पे सेपिया सेपिया गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इन ट्रीटिंग एडिनोमायोसिस सेपिया में अर्ली एंड कोपियस पीरियड्स रहते हैं तो ड्यूरिंग पेंसिस बेरिंग डाउन पेन ये पेक्यूलियर सिम्टम है सेपिया का सो ये थर्टी और टू हंड्रेड पोटेंसी में ले सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप आपके कोई नियर एंड डियर है जिसे ये प्रॉब्लम है तो उनको ये वीडियो शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर करें ताकि जो भी लेडीज़ इससे अफेक्टेड है उनको कुछ हेल्प हो जाए और उनके डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो सकते हैं और इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग